ORP 2 में जो है बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, उनको लेकर हम आज DC को मेमोरेंडम सौंपेंगे, जो कि आगे प्रेसिडेंट साहब, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को भेजेंगे। जो विसंगतियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। MSP, हमारी MSP जो है वो बराबर होनी चाहिए। इसमें 3 फेज बना दिए हैं, जो अफसर हैं उनको कर दिया है 15,500 रुपये, और MNS को कर दिया है 10,500 रुपये, बाकी सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक सभी की 5,500 रुपये जो है वो MSP की है। हमारी डिमांड है कि ये फौज की नौकरी को देखते हुए ये अलाउंस दिया गया है, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन में भी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, किसी को कुछ परसेंटेज से मिल रही है, किसी को कुछ परसेंटेज से मिल रही है, तो ये सभी का जो है वो एक जैसा होना चाहिए। तीसरी डिमांड है कि तीसरी डिमांड है हमारी प्री मेच्योर रिटायरमेंट। जब हम भर्ती होते हैं तो सिपाही का जो पीरियड होता है वो 15-2 का होता है, 15 साल कलर सर्विस और 2 साल रिजर्व लाइबिलिटी, 15 साल उसको कंपलसरी करनी होती है, 15 साल के बाद वो अपना डिस्चार्ज ले सकता है। परंतु हमारे में BSR नहीं है, तो BRS नहीं है, तो इसकी भी गवर्नमेंट ने जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको BRS दिखाया हुआ है और उनको ORP में शामिल नहीं किया गया है। फिटमेंट सेक्टर जो दिया है ना, रिजर्विस्ट जो भी आए हैं उनको बिड्डो के साथ मिला रखा है, उनको सभी की पेंशन जो है वो 9,000 रुपये है, जो कि एक ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को पेंशनर को मिलती है, वो ही रिजर्विस्ट की है। वो भी उसका भी हम रिविजन चाहते हैं कि जिसने फौज की नौकरी की है, चाहे रिजर्व आया है वो, तो वो गवर्नमेंट ने उसको भेजा है, वो अपनी मर्जी से रिजर्व नहीं आया है, उसको गवर्नमेंट ने भेजा है, इस करके उसकी पेंशन भी सिपाही के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ना कि बिड्डो के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बेसिक पेंशन होती पेंशन थी वो 1973 से पहले जो एक्चुअल ड्रान था उसका 75% हुआ करती थी। मैं सर आपको ये बताना चाहता हूँ सरकार को कि मैं भारतीय सेना डोगरा रेजिमेंट से सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन रिटायर हूँ। जो भी मेरे भाई साहब ने अब कमेंट दिया है, सरकार इसको हर हालत मानना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे पहाड़ों में नौकरी करके हैं, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर -45 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे कोई पॉलिटिशियन 1 महीना रह के दिखाए स्याला पोस्ट के अंदर, और हमारे साथ ये बेनाज बेइंसाफ किया गया है, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। और सरकार को, जब हम 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश में 94,000 कैदियों को प्रस्त कर सकते, कैदी बना सकते हैं, तो हम सरकार को भी इसके लिए झुकाएंगे।